नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भौतिक विज्ञान ऊष्मा नामक पाठ से पार्ट टू है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यह बता दें कि यह बहुत ही जरूरी है रेलवे, एसएससी, यूपीएफ, यूपीएससी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? इसके ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से अधिक या सभी असत्य है, कोई भी नहीं सही ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100 डिग्री से कम होगा। दिल्ली में जल का क्वथनांक यदि 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, फारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है कितना? 32 डिग्री फास्फोरस, 100 डिग्री फारेनहाइट, 180 डिग्री फारेनहाइट या 212 डिग्री फारेनहाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 212 डिग्री फारेनहाइट। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फारेनहाइट है, किसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है? 40.16, 36.89, 35.72 या 32.33। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 36.89, 98.4 डिग्री फास्फोरस फारेनहाइट के समान 36.8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है मनुष्य का शरीर का। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? प्रश्न उसका ऑप्शन है 5 डिग्री, 32 डिग्री, 64 डिग्री या 273 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 32 डिग्री होगा, 0 डिग्री फारेनहाइट स्केल के बराबर, 32 डिग्री के बराबर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, फारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? -32 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 112 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? 40 डिग्री, 100 डिग्री, -100 डिग्री या -40 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, -40 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 280, 290, 300 या 310। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 310 डिग्री, 310 सामान्य ताप है। हमारा अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, -273 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी बीपी तथा हिमांक यानी एफवी होते हैं क्रमशः कितना कितना? 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। बीपी तथा एबी का क्वथनांक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखें, इसका आंसर थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत ताप मापी, विकिरण ताप मापी, गैस ताप मापी या द्रव ताप मापी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकिरण ताप मापी पायरोमीटर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? प्लेटिनम ताप मापी द्वारा, गैस ताप मापी द्वारा, पायरोमीटर ताप मापी द्वारा, वाष्पम ताप मापी द्वारा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाइरोमीटर ताप मापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मोकोल यानी ताप युग्म द्वारा किसके द्वारा बनाया जाता है? दो अधातुओं, दो एक सदिश धातुओं, दो असदिश धातुओं या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दो असदृश धातुओं के द्वारा थर्मोकोल ताप युग्म बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 100-250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर? इसका सही उत्तर है विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वर्गीकृत दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उत्तापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टीफन के नियम पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचे तापों का माप की जाती है किससे? प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण ऊतापमापी से, नाइट्रोजन गैस तापमापी से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण ऊतापमापी से। हमारा अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सिपके के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, प्लेटियर के प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिपके के प्रभाव पर।
धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।